इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर तो हाडे नाल सांझी कर रहे हैं जिथे अमृतसर दे विच फायरिंग हुई है। गोली लगन नाल एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दो नौजवान गंभीर रूप च जख्मी दसे जा रहे ने। दसिया जा रहा है कि जुआ लुटन आए बदमाशा वालों फायरिंग की गई है ते इस दौरान एक नौजवान की मौत हो गई है जबकि दो नौजवान जख्मी हुए ने। मृतक नौजवान का नाम अरुण कुमार दसिया जा रहा है जो पिंड पंडोरी का रहने वाला सी। उस नौजवान की मौत हो गई है। दस दिए कि उस दौरान जुआ खेडे जा रहा सी ते जुआ लुटन आए बदमाशा वालों फायरिंग की गई है। इस फायरिंग च गोली लगन नाल एक शख्स की मौत हो गई है। उधर पुलिस वालों हुण इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का की कुछ कहना है आओ वह भी सुनते हैं। दिवाली का त्यौहार करके मैं ते मेरी कोर्स बार गश्त वगैरह ते सीए जी सानू एक इनफॉरमेशन मिली सी कि दो गुटा में झगड़ा होया। असी मौके पर पहुँचे उतों वेरीफाई किया उत्थे सानू पता चलिया भी एक बंदे की डेड बॉडी मिली सानू। की लड़ाई हुई क्यों है? लड़ाई का कारण दोनों गुटा में कोई आपसी उन्होंने पुरानी रंजिश है उसका कारण है। शहर तो आइडेंटिफाई जो भी हो जाए पर दस दिता जाएगा। नहीं अजे असी कर रहे हैं सारा वेरीफाई करके ते जल्दी सारे गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की सीसीटीवी सर सामने आई है देख रहे हैं सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। ते सर किन्ने दी मौत हुई है? एक बंदे दी मौत हुई है जी ते दूजा दो जख्मी ने जी। दो जख्मी? हाँ जी वो गुरु नानक सिविल हॉस्पिटल दाखिल। वाकया होया किथे करके एग्जैक्टली की हो की रहा सी? वाकया इन्हां दा बाजार है जी उत्थे आम सामना होया जी। हाँ जी बेरीगेट के अंदर बाहर जाके कार्रवाई पर्चा दर्ज कर रहे हैं जी। ठीक है जी उस तो बाद आइडेंटिफाई करके सारे राउंड तो 15-20 के करीब। 15-20? हाँ जी हो जाए नहीं 15-20 राउंड फायर जी जी। तो सर हूँ की कार्रवाई मिल जाती राती किन्ने बजे का समा सी जिहड़ा कार्रवाई हुई? राती सानू करीब 2:45 ये इनफॉरमेशन मिली सी जी। उस तो बाद लगातार असी अपनी कार्रवाई चल रही है पर्चा दर्ज हो रहा जी तो उस तो बाद वक् वक् टीम बना के नहीं गैंग अजे कन्फर्म नहीं है जी जो भी होगी फिर तुम दस दिता जाए। कार्रवाई की जाए? कार्रवाई की जाए बिल्कुल।